हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर है चंपारण। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पारित किया था? तो जिस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पारित किया था, वह वर्ष था 1940। अगला प्रश्न है, 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो इसका आंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो देश बंधु की उपाधि दी गई थी चितरंजन दास को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है लाहौर में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था 1942 में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो ये अधिनियम था 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, ककौरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया, वे कौन थे? तो इसका आंसर है जेम्स फोर्ड। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो इसका आंसर है रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसका आंसर है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो उस समय महात्मा गांधी थे कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका आंसर है माउंट वेटन योजना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है?
तो कायदे आजम कहा जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चितरंजन दास। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो इसका आंसर है सी एफ एन डूज। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन थे? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर है 385 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने जिस कानून को काला कानून कहा था वो था रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो शामिल थे वो थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो इसमें दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई अधिवेशन 1918 में। अगला प्रश्न है, किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है खुदाई खिदमतगारों को। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने। अगला प्रश्न है, 1923 में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड लिन लिथगो। अगला प्रश्न है, गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो इसका आंसर है एक बार। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जी बी कृपलानी। अगला प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी एस एन बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड
इरविन के साथ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देसी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह है जबलपुर में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो इसका आंसर है 1939 में। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो आंसर है 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर है विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण दिया था वाराणसी में। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में जिस रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था वो स्टेशन था पीटर मारित्सबर्ग। अगला प्रश्न, किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है सर पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? तो इसका आंसर है भारतीय दलित वर्ग। अगला प्रश्न, किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।